हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लास 9th का 14 सितंबर को जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 हम वीडियो बनाए थे जो चैनल पर अपलोड कर दिए थे और आशा करते हैं कि आप लोग उसको देख लिए होंगे, ठीक है। और आज हम लोग इसको देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2 को। इसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। ये क्वेश्चन आपका जितना महत्वपूर्ण वीकली टेस्ट के लिए उतना ही अर्धवार्षिक और फाइनल एग्जाम के लिए भी है, ठीक है। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द स्पीकर रिमेंबर गॉड। जो वक्ता था किस बात ने भगवान को याद, मतलब जो स्पीकर था उसको किस बात ने भगवान को याद दिला दिया, ठीक है, भगवान को याद करने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। तो द फियर ऑफ ड्राइंग, द फियर ऑफ फायर, द फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ गोइंग टू स्कूल। मतलब ड्राइंग का डर, फायर मतलब आग का डर, और डेथ, डेथ का मतलब क्या हो जाता है, मौत का डर, या फियर ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने का डर। तो उस वक्ता को किस बात ने भगवान को याद दिला दिया, सी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फियर ऑफ डेथ मतलब मौत का डर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज रिटन द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर। द स्नेक और द मिरर जो स्टोरी है उसको लिखे कौन थे। तो हम आपको हमेशा बोलते हैं कि कभी भी पोएम इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसका पोएम हो या कहानी हो, उसका आप लोग लेखक मतलब राइटर का नाम, पोएट मतलब कवि का नाम आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपके परीक्षा में बार बार पूछता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, ऑप्शन बी इशाका असिमोव, ऑप्शन डी डी ब्रोच कॉले, और ऑप्शन डी वैकम मोहम्मद बशीर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द स्नेक ऑफ द मिरर को कौन लिखे ये स्टोरी कौन लिखे थे, तो वैकम मोहम्मद बशीर, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड नरेटर ऑफ द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर लिव। मतलब इस स्टोरी का कथावाचक, मतलब जिसके लिए हम बात बोल रहे हैं, जिसके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नरेटर मतलब कथावाचक। आप लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्म में देखते होंगे कोई कैरेक्टर होता है जो पूरा, मतलब आप लोग जेठालाल देखे होंगे, ओके, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें नरेटर कौन है, जेठालाल, ठीक है। उसी प्रकार वेयर डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ये जो नरेटर था इस स्टोरी का, वो कहाँ रहता था, लिव वो कहाँ रहता था, ठीक है। तो कहाँ रहता था, एक स्मॉल रेंटेड हाउस, मतलब एक छोटा सा किराए का मकान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वोमेन द डॉक्टर विथ टू मैरी। जो डॉक्टर था वो किस तरह की महिला से शादी करना चाहता था, किस तरह की महिला से शादी वो करेगा, ठीक, काइंड ऑफ वोमेन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फैट वोमेन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, फैट वोमेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मेड द नॉइज इन द डॉक्टर्स रूम। डॉक्टर्स का जो रूम था, कमरा था, किस बात का शोर हुआ उसमें, नॉइज किस बात का शोर हुआ, ठीक। तो यहाँ देखिए, द आउल्स, द स्नेक्स, द रेट्स एंड द पिजन्स। तो द रेट्स इसका सही जवाब हो जाएगा, चूहे का, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छः नंबर क्वेश्चन है, द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर इज अबाउट। द स्नेक और द मिरर जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, वो किसके बारे में, तो एक डॉक्टर के बारे में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सात नंबर क्वेश्चन देखिए, हु टोल्ड द स्टोरी ऑफ द स्नेक द मिरर। द स्नेक और द मिरर जो स्टोरी है उसको द स्नेक और द स्टोरी मिरर है वो कहानी किसने सुनाई, कौन कहा, ठीक है। तो एक कौन सुनाया था, डॉक्टर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर वांट्स टू लुक लाइक। जो डॉक्टर था वो कैसा दिखना चाहता था, तो हैंडसम दिखना चाहता था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए, नौ नंबर क्वेश्चन है,
द स्नेक क्वाइल्ड अराउंड, जो सांप था वो कहाँ लिपटा हुआ था, द स्नेक क्वाइल्ड अराउंड मतलब लिपटा हुआ था, सांप कहाँ लिपटा हुआ था, द डॉक्टर्स लेफ्ट आर्म, डॉक्टर का बायां हाथ में, ठीक है, बायां हाथ में सांप जो है था लिपटा हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, द डॉक्टर्स द डॉक्टर्स रूम्स वाज शेयर्ड विथ, जो डॉक्टर था वो अपना कमरा जो रूम था उस किसके साथ शेयर करता था, तो रैट्स चूहे के साथ, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर द स्नेक मूव टूवार्ड्स द मिरर द डॉक्टर वाज, मतलब जब स्नेक था वो जैसे मुड़ा शीशे की ओर, जब मुड़ा मूव टूवार्ड्स द मिरर शीशे की ओर मुड़ा, जो स्नेक था वो शीशे की ओर मुड़ा, तो डॉक्टर क्या किए थे, क्या किया था, ठीक है, तो वो क्या किया था अपना, मतलब मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, वो आदमी वन सेकेंड इसका आप याद रखिएगा बी नंबर, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ओके 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, हुम डिड द डॉक्टर वांट टू मैरी, डॉक्टर जो था वो किससे शादी करना चाहता था, अ साइंटिस्ट अ टीचर अ ओमेन डॉक्टर अ सिंगर, वो किससे शादी करना चाहता था, ओमेन डॉक्टर से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब लेडीज डॉक्टर से, ठीक है। यहाँ देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स डिड द डॉक्टर हियर द साउंड ऑफ रैट्स, जो डॉक्टर था वो रैट का आवाज़ कितना बार सुना, चूहों की आवाज़ कितना बार सुना, एक बार, वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब दो बार, थ्राइस मतलब तीन बार, और फोर टाइम्स मतलब चार बार, तो ऑप्शन तीन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ट्राइस तीन बार। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज द स्नेक एंड द मिरर, जो द स्नेक एंड द मिरर स्टोरी वो किस तरह का स्टोरी है, फैंसी स्टोरी है, सीरियस स्टोरी मतलब गंभीर स्टोरी है, या ह्यूमरस स्टोरी है, या थर्जेडी स्टोरी है, तो ये किस प्रकार के स्टोरी है, ह्यूमरस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया मेडिका इज अ क्या है, मलेरिया मेडिका क्या है, तो मलेरिया मेडिका इज अ बुक, वो एक किताब था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर, वेयर डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर, ये जो स्टोरी है इसमें नरेटर कौन है, डॉक्टर है, राइटर है, लीडर है, साइंटिस्ट है, पता है आप लोग को, डॉक्टर है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, विच बुक डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर बिगिन टू रीड, मतलब द स्नेक एंड द स्टोरी जो है, ये जो स्टोरी है, ये जो पुस्तक की शुरुआत पढ़ने के लिए कहाँ से किया, जो नरेटर था वो पुस्तक की शुरुआत पढ़ने के लिए कौन सा पुस्तक का शुरुआत पढ़ने के किया, ठीक है, तो मलेरिया मेडिका यही होगा, मलेरिया मेडिका, ठीक है, मटेरिया मेडिका लिखा हुआ है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गया, कोई बात नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, वाइल लुकिंग एट द मिरर द डॉक्टर स्माइल एंड द फाउंड हिज स्माइल, मतलब कि जो आईना था, मिरर था जो, उसमें देखो डॉक्टर मुस्कराया तो अपना मुस्कुराहट वापस, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो अट्रैक्टिव आकर्षक दिख रहा था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, अट्रैक्टिव। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द चेंज इन डॉक्टर थॉट्स, डॉक्टर का जो विचार था उसमें क्या मतलब कैसे परिवर्तन आया, क्या परिवर्तन आया, फ्रॉम वैल्यूएबल आदमी मैन टू हेल्पलेस पुलिसमैन, तो एक मूल्यवान आदमी से एक आशय है मूर्ख आदमी तक,
फ्रॉम पुअर टू रिच मैन, मतलब वो एक गरीब से अमीर आदमी बन गया। फ्रॉम फ्रॉन्ट टू स्माइल, मतलब एक भुवंग से मुस्कुराहट वाला बन गया, ठीक है। अब फ्रॉम नो मोस्चो टू मोस्चो, मतलब बिना मूछो से मूछो तक, मोस्चो मतलब मूछ होता है, ठीक है। तो एक फुली से सॉरी वैल्यूबल और हेल्प से मूर्ख आदमी तक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 19 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, हाउ वाज द डॉक्टर लाइफ सेव्ड, डॉक्टर अपना जो डॉक्टर अपना जान कैसे बचाए, ठीक है, कैसे बचाए, बिकॉज ऑफ द मिरर, बिकॉज ऑफ द रेड्स, बिकॉज ऑफ हिज डर्टी वेस्ट और बिकॉज ऑफ हिज वाइफ, किससे बचाया अपना वो जान कैसे बचाया, मिरर के थ्रू, मिरर में वो देख लिया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन देखे, इस वीडियो में भी हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपका वीकली टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में आपका अर्धवार्षिक परीक्षा फाइनल परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 9th और चैप्टर 5 का, इसमें जितना भी क्वेश्चन बताया गया सारे के सारे चैप्टर 5 का है, ठीक है। द स्नेक एंड द क्या था, द स्नेक एंड द मिरर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग जाइए आज अपना परीक्षा देकर आइए, और जो भी आते हैं उसके बाद आप अपना आंसर की इस चैनल पे आकर चेक कर लीजिएगा, आप आइएगा तब तक मैं आंसर की आपका अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।